चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कुछ डाउट तो आपके हैं और कुछ चीजें मुझे अपने तरीके से बतानी है या अपने तरफ से बतानी है आपको, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने मेंशन भी कर दिया है, थंबनेल में आपको नजर भी आ रहा होगा, कुछ लोगों का यही डाउट है भाई मेरे पास इस चीज का एक्सपीरियंस है वो वैलिड होगा कि नहीं। हालांकि इसके बारे में एक बार पहले डिस्कशन हुआ है, पर मे भी आपने वो मिस कर दिया होगा, यहां पर भी बताते चलूंगा मैं। फिर कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि टाइम कम बचा हुआ है, अगर हम माने तो 3 मंथ या ऑप्टिमम मान लें तो 3.5 महीने या 3 महीने 20-25 दिन एग्जाम है अगर हो जाता है तो। क्योंकि प्रीवियस अगर ट्रैक देखें जीपीएससी के तो एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो ये श्योरिटी तो नहीं है कि अक्टूबर में हो ही जाएगा एकदम। मतलब नौकरी वोकरी छोड़ के बैठ मत जाना कि भाई अब तैयारी करेंगे, 3 महीना बचा है, दिन रात लगा देंगे, ऐसा मत करना। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप तैयारी को दो, पर श्योरिटी नहीं है कि भाई हो जाएगा। अभी देखा आपने ट्रैक की बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे थे, तो मे बी अभी तो एडवर्टीजमेंट आया है, मे बी इसमें भी कुछ चीजें चेंज हो जाए या पोस्टपोन हो जाए तो फिर आपको सेटबैक ना लगे, प्रॉब्लम ना हो। तो प्लान कर लेना, दिमाग में रखना कि पोस्टपोन के भी चांसेज हैं, पर ये मान के पढ़ाई मत छोड़ देना कि पोस्टपोन तो होगा, अभी और टाइम बचेगा, आराम आराम से पढ़ें। टारगेट आपको अक्टूबर का ही बनाना है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या सफिशियंट टाइम है, अगर है तो प्लान कैसे करें भाई, शुरू कैसे करें, किस तरीके से स्टार्ट करें कि कवर कर पाए, और टारगेट क्या रखना चाहिए। अब चूंकि आपको प्लान करना है तो भाई आपके दिमाग में टारगेट भी तो होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहां है। टारगेट ही नहीं है, रैंडमली पढ़े जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। सिलेबस में मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, दूसरी वीडियो देख सकते हो। आज डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा सिलेबस पे, और नया सिलेबस आएगा तो डेफिनेटली करेंगे। पर हां, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई ये प्रमोशन है अपना खुद का, खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको करना है, नहीं दूसरे लोगों को बताना है, रिव्यू देना है। मैं नहीं कहूंगा तारीफ करो, ओरिजिनल रिव्यू देना है। अगर कोई आप पूछता है आपको पसंद आया है कोर्स, अगर इनरोल हो तो बताना है भाई पसंद आया है, नहीं पसंद आया तो भी बताना है कि भाई नहीं पसंद आया है मत जाओ, ठीक है। बाकी ये हमारा कोर्स है, इसमें 200 मार्क्स आपका कवर होगा। आपको पता है 300 मार्क्स का पेपर है। कोर्स में ऑलरेडी वीडियो जा चुके हैं, टेस्ट सीरीज भी जा रही है, मतलब 85 से 90% चीजें कवर हैं आपके कोर्स में, खत्म हो चुका है। आप करते रहिए, पीछे नहीं हटना है। और भाई टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोग कोर्स में है और टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, भैया आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, टेस्ट सीरीज आपकी सच्चाई बताती है, सच्चाई एक्सेप्ट करने से भागिए नहीं। टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि आपके तैयारी का लेवल क्या है, कहाँ गलतियां हैं। वो गलतियां अगर आप एग्जाम में करोगे तो उसके बाद केवल रिग्रेट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। वो गलतियां टेस्ट सीरीज में करोगे तो एग्जाम में नहीं करोगे, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो भागना नहीं है, पढ़ना है और टेस्ट देना है। बहुत सारे लोग कम मार्क्स आते हैं घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, जो गलतियां कर रहे हैं उसको देखना है। टेस्ट सीरीज में नीचे सोल्यूशन भी दिया गया है तो सोल्यूशन भी देख सकते हो आप। और मैं रिकमेंड करूंगा कि पढ़ाई थोड़ा कम कर लेना, पर टेस्ट सीरीज और उसके हर क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर देखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे वो, ठीक है। अब कई सारे लोगों को यह लग रहा है कि यार 4000 है, ज्यादा का है ये कोर्स। भाई मैं बताऊं आपको, 1 साल की वैलिडिटी है, वैलिडिटी इसीलिए रखा गया, जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पर आपका जो इन्होंने टेंटेटिव बता रखा ना, वो इंटरव्यू अप्रैल में है, और ये कोर्स इंटरव्यू में भी चाहिए। भाई पढ़ के जाओगे तो ही तो इंटरव्यू दोगे, नहीं तो फिर कैसे इंटरव्यू दोगे, नहीं तो चाहिए, तब तक तो चाहिए आपको। तो ये इसी वजह से है, अगर आपको पूरी वैलिडिटी लेनी है तो ये पे करना पड़ेगा आपको। अब कई सारे लोग कह रहे हैं अगर आपको महंगा लग रहा होगा, और मुझे लगेगा कि ढेर सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है तो इसमें मैं मल्टीपल वो कर दूंगा वैलिडिटी इसकी। एक वैलिडिटी हम 5 मंथ की कर देंगे जिसमें आपको कम पे करना पड़ेगा, पर ये केवल 5 मंथ के लिए ही वैलिड रहेगा। एग्जाम पोस्टपोन होता है तो पोस्टपोन नहीं होगा, पर अगर आप 4000 वाला लेते हो उसकी वैलिडिटी एग्जाम तक होती है। मान लीजिए एग्जाम पोस्टपोन होता है तो ये कोर्स भी पोस्टपोन होता रहेगा। बता दूं कि आरटीओ की जो हमारी बैच है वो 2 साल से चल रही है, 2 साल से जीपीएससी एग्जाम पोस्टपोन कर रही है, कोर्स भी आपका पोस्टपोन किया जा रहा है, कोई पैसा किसी से एडिशनल नहीं लिया गया है। सिमिलर चीजें यहां पे भी हैं, 4000 वाला लोगे तो पोस्टपोन होता रहेगा, अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ, इंटरव्यू पोस्टपोन हुआ तो आपका कोर्स पोस्टपोन हो जाएगा। बाकी अगर ये लोगे आप कम वाला मैं बना दूंगा, उससे कम में मिलेगा आपको, पर वो केवल और केवल 5 मंथ के लिए रहेगा, वो पोस्टपोन नहीं होगा। तो ये तो रहा हमारा पेड प्रमोशन। अब असली बात करते हैं, आपका इंटरेस्ट हो कोर्स लीजिए, आपका इंटरेस्ट नहीं है नहीं लीजिए, सेल्फ पढ़ाई करिए, जैसे करना हो करिए, पर करिए भाई, शुरू तो करना ही पड़ेगा एक टाइम पे। इंतजार करते रहेंगे, मैं पहले भी कई बार कहा भाई वैकेंसी
अनाउंस ही तो आएगी, हो सकता है थोड़ा डिले हो, डिले होता है तो हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, आप भी गालियां निकालते हो, पर आएगी तो एक दिन आएगी, फिर चली भी जाएगी और आप इंतजार करते रहोगे, ठीक है। 3 महीने वाला फंडा समझाता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट स्कोर, पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हमको पहुंचना कहां है। इससे पहले भी इस पर डिस्कशन हुआ है, ये 2019 की वैकेंसी है, क्या ऐसे ही कट ऑफ रहेगा? जवाब है कि नहीं भाई, जरूरी नहीं कि ऐसे रहे, जनरली कट ऑफ बढ़ता है। यहां पे भी हम मान के ही चलेंगे कि कट ऑफ इससे ज्यादा जाएगा, कम जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना ही जाएगा ना ही कम आपको टारगेट करना है। अब जनरल का कट ऑफ देख लीजिए, कट ऑफ किसमें है, आप सभी को पता है 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है और 300 मार्क्स का आपका प्रीलिम होता है, ठीक है। इसका जो वेटेज होता है 50% होता है, इसका भी वेटेज 50% होता है, तो प्रीलिम में जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो डिवाइडेड बाई 6 होता है और ये डिवाइडेड बाई 2 होता है। अगर इनके इंटरव्यू का मार्क्स मैं बताऊं तो इनको इंटरव्यू में मिले थे 27 मार्क्स, जो कि एक ठीक ठाक मार्क्स है। अभी मैं इंटरव्यू में बताऊंगा कि कितना आप स्कोर करते हो तो अच्छा माना जाता है। तो ये आपके जो मार्क्स हो गए, ये हो गए 54 इनको इंटरव्यू में मिले थे। अब अगर इनको 27 मार्क्स यहां पे ऐड किया गया है, इसको आप माइनस कर दोगे तो 23 के आसपास आ जाएगा इनका प्रीलिम का मार्क्स, और उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे तो उनका एक्चुअल मार्क्स आ जाएगा जो उन्होंने प्रीलिम में स्कोर किया था। तो जनरल कैटेगरी का वो लास्ट बंदा जो सेलेक्ट हुआ था पिछली वैकेंसी में, जिसमें अभी से ज्यादा वैकेंसी थी, 57 थी अभी 50 है, ठीक है। तो उसका जो मार्क्स था वो कितना था, अराउंड 141 या 142 मार्क्स के आसपास था, 141 मार्क्स या 142 मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और ये इंटरव्यू के बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, पर अच्छा स्कोर है, 50 से ऊपर को मैं अच्छा मानता हूं, 60 से ऊपर को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, मतलब 50 से 60 के बीच को वेरी गुड कह सकते हो आप, और 60 से ऊपर अगर है, 65 से ऊपर है तो उसको एक्सेलेंट कह सकते हो आप, 70 से ऊपर है इंटरव्यू में मार्क्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हो, बहुत कम लोगों को मिलता है, मतलब बहुत कम लोगों में इंटरव्यू का वेटेज 35 लिखा रहेगा, मतलब उनका इंटरव्यू का मार्क्स 70 से ऊपर था। ऐसे बहुत इक्के दुक्के बच्चे होते हैं, वो भी सारे एग्जाम में नहीं होते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो जनरली जो मार्क्स आपको मिलता है वो 50 से लेकर 60 के बीच में मिलता है, 60 स्कोर भी वेरी गुड है, किसका, आपके इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में हम मान के चलते हैं कि आपको 25 से लेके 30 नंबर तो स्कोर करना ही करना है, इससे कम में भाई कोई चांस नहीं है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ के जाओगे हो जाएगा, पर इंटरव्यू में तो तब जाओगे जब प्रीलिम क्वालिफाई करोगे। अब प्रीलिम में जनरल वाले के बच्चे के हमने कितने बात किए, मान लेते हैं इसका 142 था, 141 पॉइंट समथिंग आएगा अगर कैलकुलेशन करोगे आप तो, 142 था। अभी मैंने कहा कि कट ऑफ बढ़ता ही है, कम नहीं होता है, और इस बार भी बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आपको भी तैयार रहना चाहिए। अगर पिछले वाला सिलेबस रहता है, सिलेबस में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा अप डाउन हो जाएगा, क्योंकि कम टाइम बचा रहेगा, सबको उतना ही टाइम मिलेगा, सारे लोग वही तैयारी करेंगे तो फिर कट ऑफ कम हो सकता है, पर अगर रिवाइज होता है सिलेबस तो बिल्कुल कट ऑफ बढ़ेगा। मैं मान के चलता हूं, या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप अगर 160+, ये 160 या 160+, इसका डिस्कशन मैंने पहले भी किया हुआ है, अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आप उम्मीद कर सकते हो, भरपूर उम्मीद कर सकते हो कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। जितना ज्यादा 160 से जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे, जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, उतनी ज्यादा श्योरिटी बनेगी कि आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा। सिलेक्शन की ज्यादा श्योरिटी इंटरव्यू दिलाता है, ये भी दिलाता है। अब यहां पे कोई 210 220 230 ले आए तो अलग ही बात है ना भाई, तो बहुत ज्यादा स्कोर हो गया, बट इतना अगर आता है तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा डेफिनेटली, इससे जितना आगे जाओगे उतना बढ़िया है। अब यहां तक पहुंचना कैसे है, आपको पता है कि हमने अभी 300 की बात किया, तो मैं आपसे कहूंगा अच्छा ये बाकी कैटेगरी में आप देखोगे तो इससे कम स्कोर करना है, पर 10-20 नंबर का डिफरेंस होता है, बहुत नीचे आ जाओगे ये देखोगे आप, इनका स्कोर ज्यादा है क्योंकि वैकेंसी नहीं है भाई, ये टेंशन मत लेना। ऐसी की एक वैकेंसी थी, वो चली गई थी एक्स सर्विस मैन को, और उसके मार्क्स भी ज्यादा थे, ठीक है, इस वजह से इनका कट ऑफ, चूंकि एक ही वैकेंसी थी, एक ही बंदा सेलेक्ट हुआ रिजर्व कैटेगरी में, तो उसी का मार्क्स यहां पे लिख दिया गया है सीधा, वो कट ऑफ नहीं है, ठीक है, वैकेंसी नहीं तो क्या, फिर तो जनरल कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस की भी वैकेंसी नहीं थी, तो आपके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है, यू हैव टू
क्वालिफाई द जनरल कट ऑफ, इसकी ओबीसी की और एसटी की वैकेंसी थी तो आप देख पाओगे इनका कट ऑफ नीचे है, ठीक है, पर बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहता है एससीबीसी का देखा जाए तो, कौनसाइड रहता है 5 से 10 नंबर मैक्सिमम 10 नंबर, नहीं तो 5 से 6 नंबर का डिफरेंस रहता है प्रीलिम एग्जाम्स में, ठीक है। और यहां पे चूंकि जो वैकेंसी है अगर वो 50 है तो मैं मान के चलता हूं कि इंटरव्यू में कम से कम एज पर द रूल 150 बुलाए जाने चाहिए, पर 150 बुलाया नहीं जाता है, वो जीपीएससी का प्रीलिम्स का वो रूल है कि पहले वो जनरल कैटेगरी में जो लोग भरे हैं उसका एक कट ऑफ बना देते हैं, फिर बाकियों का अलग कट ऑफ बनाते हैं, तो जनरली रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जनरल से ऊपर चला जाता है, फिर वो जनरल का कट ऑफ नीचे ले आते हैं, वो नीचे लाने के वजह सॉरी रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ नीचे लेके आते हैं, वो नीचे लाने की वजह से रिजर्व कैटेगरी के बच्चे ज्यादा इंटरव्यू में अपियर होते हैं क्योंकि उनका कट ऑफ नीचे चला जाता है और ज्यादा बच्चे इन हो जाते हैं, तो जितने मल्टीपल बुलाए जाने चाहिए थे उससे ज्यादा ही बुलाए जाते हैं। आप नियर अबाउट सारे एग्जाम में देख रहे होंगे कि जीपीएससी का एक मतलब आप फॉल्ट मान सकते हो या उनका एक फॉल्टी प्रोसीजर मान सकते हो आप, कि जिसके वजह से मान लीजिए 3 टाइम बुलाना है, पर जनरली 3 टाइम नहीं होते, रिजर्व कैटेगरी वाले तो जनरली 3 टाइम नहीं होते हैं, ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 150 के बजाय 250-300 के आसपास बच्चे ये बुलाएंगे, बुलाते ही हैं, 100 का वैकेंसी होती है तो 400 के आसपास बच्चे बुलाते हैं, तो यहाँ पे भी मान के चलो मिनिमम 250 के आसपास तो बच्चे बुलाए जाएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं इंटरव्यू में बच्चे बुलाए जाने के। तो जैसे ही इंटरव्यू में कॉल आता है ना कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि इंटरव्यू की परफॉर्मेंस भी डिफाइन करती है। अब आपको अगर यहां पहुंचना है 160 मार्क्स पहुंचना है तो क्या टारगेट बनाना है आपको भाई? मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप केवल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, नॉन टेक्निकल आपका गोल है, ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है आपने, तो भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि भाई आपको 25-30 मार्क्स आउट ऑफ 100 करना ही चाहिए, इससे कम करोगे तो ना मुश्किल है, इतना तो आना चाहिए। अब इतना आना मुश्किल नहीं, मैंने पहले कई बार कैलकुलेशन बताया है कि अब जीपीएससी में पहले 15 मार्क्स की रीजनिंग एफटी के क्वेश्चन आते थे, पर अब इंप्रूव हुआ है, वो अराउंड आ जाएगा आपका 20 से 25 मार्क्स। हो सकता है कि आपका सिलेबस आए तो उसमें वेटेज भी दे दे, इस बात की पॉसिबिलिटी है वेटेज आ जाए, पर अभी नहीं है तो मैं टेंटेटिवली बता रहा हूं कि इतने क्वेश्चंस रहते हैं, आसानी से आप इनको सही कर सकते हो, आप इंजीनियर हो, आपसे उम्मीद किया जाता है, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, जो 100 क्वेश्चन करने उसका टाइम इधर लगाओगे आसानी से कैलकुलेशन कर लोगे हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है कि नॉन टेक्निकल का है, इतना तो आप सुनते देखते होगे ही, करंट अफेयर से अवेयर होगे आप, थोड़ा बहुत बाकी चीजों से अवेयर होगे, तो मुझे लगता है कि 4-5 क्वेश्चन और आप एडिशनल कर सकते हो, तो मुझे लगता है 25 से 30 तो आप इसमें सही स्कोर कर सकते हो आफ्टर निगेटिव मार्किंग। इतना स्कोर करना मुश्किल है क्या? जवाब है कि नहीं, कर सकते हो और करना चाहिए भी। अगर यहाँ का हम मैक्सिमम लेते हैं तो यहाँ पे आपको 130 स्कोर करने हैं, कितने में से? 200 में से। क्या ये मुश्किल टास्क है? जवाब है कि ये भी बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। 200 में से जिस टेक्निकल बैकग्राउंड से आप आते हो, और अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हो तो आपके पास तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है वहां पे, और अगर मैकेनिकल से हो तब तो बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल के उसमें ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो बनता भी है कि क्वेश्चंस जनरली ज्यादा आते हैं मैकेनिकल से एज कंपेरिजन टू अदर ब्रांच, तो आपके पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं कर पाओगे, आसानी से कर लोगे। तो टेक्निकल में आपको कितना करना है भाई? 120-130 मार्क्स, मतलब 130 मार्क्स के आसपास आपको करना है। जितना ज्यादा 130 को इंप्रूव करोगे उतना बेटर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आप 30 के जगह पे 60 कर देते हो, 70 कर देते हो, कई सारे होंगे बच्चे पहले टेक्निकल की तैयारी कर रहे होंगे, वैकेंसी नहीं है, नॉन टेक्निकल करने लग गए तो वो इंप्रूव कर जाते हैं, 50-60 नंबर ले आते हैं, और वहां पे थोड़ा कम ज्यादा होगा तो अपने एबिलिटी के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, पर आपको वो अल्टीमेट टारगेट याद रखना चाहिए कि भाई हमको 160 प्लस करना है, इससे नीचे नहीं आने देना है खुद को कैसे भी। बाकी रिजर्व कैटेगरी में हो तो थोड़ा बहुत कम आ गया, आपको टारगेट वही बनाना है, कम आ गया तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉल आ जाएगा। तो ये पता चल गया कि ये हमारा टारगेट है। अब भाई टारगेट को अचीव कैसे करना है, कैसे प्लान करें, ठीक है, और 3 महीने वाला डिस्कशन भी अभी बाकी है, इस पर एक बार मैंने डिस्कशन किया है, वही सारी चीजें मैंने यहां पे मेंशन किया है जो मैं अभी बताया। यहां पे थोड़ा सा ज्यादा टारगेट लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, यहां पे लोअर टारगेट है जो वहां पे मैंने मेंशन किया था, पर वही है कि आप किस में ज्यादा करते हो, अगर यहां पे ज्यादा करते हो तो वहां पे थोड़ा कम भी करोगे तो चल जाएगा। ये मार्क्स आपके टेक्निकल के हैं, ऑब्वियसली कर पाओगे आप, बहुत मुश्किल नहीं होगा, और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिए और उसके नीचे लिखे फंडामेंटल याद कर लीजिए तो भी आप उतना कर पाओगे, ठीक है। अब ये मैंने इसका डिस्कशन किया होगा भाई, हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका पैटर्न कैसा होता है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन वाले होते हैं,
रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आपको गलत करने ही नहीं है। ये कैसे होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, हमारी टेस्ट सीरीज करनी है या किसी और की टेस्ट सीरीज ले रखा है वो करनी है, मतलब जैसे भी करते हो आप, जीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन को ऐसे देख के खटाक लगा दोगे आप, ठीक है। रैंडम क्वेश्चंस कुछ होते हैं, रैंडम मतलब समझ रहे हो कि यार मतलब अनयूजुअल क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे हम। यार हमने सोचा था कि यार ये सब्जेक्ट है, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक है, हम सोच रहे हैं कि ये इसका सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल से तो आप सोच रहे हो किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, या और भी कोई लॉ इस तरीके से आप मानते हो कि इंपॉर्टेंट है, पर यार देख रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन नहीं आया, रैंडम क्वेश्चन आ गए। तो सम टाइम व्हाट हैपेंड कि जो हमारे दिमाग का प्रेडिक्शन होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएंगे, वहां से ना आके लिस्ट इंपॉर्टेंट या जिसको हम उतना भाव नहीं देते हैं वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या हमको इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है? मैं कहूंगा बहुत ज्यादा नहीं करना। अगेन प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करोगे तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे जो हमेशा नहीं पूछे जाते पर कभी कभी पूछे गए, हो सकता है वो आपको में अपीयर हो जाए। और चूंकि ये इतना रैंडम है कि अगर इनको टारगेट करने आप बैठोगे तो क्या होगा, एक रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कई घंटे का मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, कई घंटे का टॉपिक कवर करना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल होता है। नए क्वेश्चन बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम ही होती है कि एकदम नए क्वेश्चंस बना दिए जाएं या नए पैटर्न बना जाए, पर कभी कभी जीपीएससी ऐसा करती है। जो बच्चे आरटीओ के होंगे उन्होंने देखा होगा कि 2019 का पेपर, 20 का पेपर मान लीजिए, 21 में हुआ था एग्जाम, जब भी बड़ा खतरनाक आया था, एकदम ईएससी लेवल का आ गया था, और पैटर्न भी चेंज कर दिया था कि सिंपल एसरेशन रीजन ऐड कर दिया था और फिल इन द ब्लैंक्स का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कुछ कुछ मतलब पैटर्न चेंज करके उन्होंने दिया था। तो इस टाइप के भी चांसेस कभी रहते हैं पर कम ही होते हैं। बट हाँ, मेंटल ब्रेकडाउन ना हो एग्जाम में पेपर को देख के, आपको दिमाग में रखना चाहिए कि इस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं। पर ज्यादा फोकस अब हमको, चूंकि कम टाइम बचा तो अब हमको ज्यादा फोकस उन पे करना है जो यूजुअल है। अगर पेपर खराब आता है तो सबके लिए आता है, सारे लोग वही पढ़ के आए हैं जो आप पढ़ के आए हो, तो पेपर खराब आने की वजह से डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो नीचे जाता है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। पेपर अच्छा होगा, इजी होगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा, पेपर खराब होगा, टफ होगा, कट ऑफ नीचे आएगा, तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। जो ज्यादा यूजुअल है वो ज्यादा प्रैक्टिस करना है, चीजों को रिवाइज बार बार करते रहना है, रिविजन से नहीं भागना है, टेस्ट सीरीज देते रहना है और टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन देखते रहना है, ठीक बात। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो 3 महीने या 3.5 महीने का टाइम बचा है, क्या इसमें एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? देखो अगर बिल्कुल मैं सच बोलूं भाई, तो ये कोई नहीं बता सकता कि क्या 3 महीने में एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। और ये चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं, कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, मैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, आप उनको अपने ऊपर अप्लाई कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको एक राय देना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच के तैयारी शुरू नहीं करते हो कि अब तो 3 महीने ही बचे हैं, क्या होगा 3 महीने में, लोग एक एक साल से तैयारी कर रहे हैं, तो बिलीव मी माय दोस्त, अब छोड़ दो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, छोड़ दो, अब जो कर रहे हो वो करो या फिर जो करना चाहते हो उधर फोकस करो। इसका रीजन ये है ना कि अगला एग्जाम आएगा ना, अभी आप तैयारी छोड़ दोगे, फिर 6-7 महीने बैठोगे, फिर 6-7 महीने बाद नई वैकेंसी आ जाएगी और उसका भी रिटर्न ऐसे ही रहेगा 3-4 महीने बाद, फिर आप कहोगे यार नई वैकेंसी तो आ गई पर इसका भी 3 महीने बाद है, अब क्या करें, फिर से नहीं भरता हूं या फिर से तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये रिपीटिशन आपके साथ होने वाला है, तो कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। हो सकता है इस बार आप शुरू करो तो आपका सिलेक्शन ना हो, पर बेस तो बनेगा, अगली बार सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपने इस बार बहुत अच्छे से कर लिया तो हो सकता है अगली बार सेलेक्ट हो जाओ। तो ये मान के चलो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हो तो कहीं से तो आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, कहीं पे तो आपको कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा भाई। ये त्याग है, ये तपस्या है, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन तपस्या है। और तपस्या कहते, तपस्या का डिफिनीशन ही यही है कि आपको सुख त्यागना पड़ता है। आप चाहो कि पढ़ना भी ना पड़े, आप चाहो तो बैठना भी ना पड़े, आप चाहो कि शादी भी अटेंड कर लें, आप चाहो कि बियर के साथ मिर्जापुर सेशन 3 एंजॉय करें और फिर सिलेक्शन भी हो जाते, सब एक साथ है नहीं होता है, सब एक साथ नहीं होगा। तो आपको त्याग करने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी, सुख छोड़ना पड़ेगा।
अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। अगर आप सुख छोड़ने के लिए तैयार हो तो 3 महीने हो, 2 महीने हो, 1 महीने हो, आपको लग के पढ़ना है। ये पैरामीटर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि इंडिविजुअल आदमी की पॉसिबिलिटी क्या है। पहली बात कि आपके पास 3 महीने हैं, पर सबके पास क्या इक्वल टाइम होगा? अब मुझसे आप पूछोगे 3 महीने में होगा कि मैं कैसे बता पाऊंगा? कोई जॉब कर रहा होगा वो 2 ही घंटा पढ़ सकता है, कोई खाली बैठा है वो 10 घंटा पढ़ सकता है, कोई 15 घंटा भी पढ़ सकता है, मुश्किल नहीं है, पढ़ने की आदत है, हैबिचुअल है, ठीक है। तो आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है ये आपको पता है, आप डिफाइन करना कि आपके पास टाइम क्या। मैं एक एवरेज या आइडियल टाइम अभी बता दूंगा कि आपको डेली कितना पढ़ना चाहिए। फिर जितना टाइम अवेलेबल है उसमें से सिटिंग कैपेसिटी, चूंकि एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया होगा काफी टाइम से, उनके बैठने की हैबिट खत्म हो गई, क्योंकि टाइम तो हमारे पास है पर 1 घंटा बैठते हैं तो बॉडी पेन करने लगती है, 2 घंटा बैठते हैं कमर दर्द करने लगता है, मतलब हैबिट नहीं है, मतलब फिजिकल स्ट्रेस आ जा रहा है या फिजिकल स्ट्रेन आ जा रहा है बैठने से। फिजिकल स्ट्रेन आएगा तो मेंटल कैपेबिलिटी घट जाती है, मेंटल एफिशिएंसी जो होती है ऑटोमेटिकली घट जाती है, और हर किसी की मेंटल एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है। अब मान लीजिए आपके पास टाइम भी खूब है, आप 6-7 घंटा 8 घंटा बैठ भी सकते हो, पर केवल बैठने के लिए बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, 8 घंटे में मटेरियल देख रहे हो कि यार 1 घंटे का मटेरियल मैंने 8 घंटे में पढ़ा है, तो इसे कहते हैं कि मेंटल एफिशिएंसी कम हो गई है। कई सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे बहुत दिनों से आपने पढ़ाई नहीं किया हो, बुक नहीं छुआ हो, पढ़ने की हैबिट खत्म हो गई हो आपकी, या फिर फिजिकल स्ट्रेन आ जा रहा हो, बैठे हो आप पर फटीग आ गया, मन ही नहीं कर रहा है, या फिर माइंड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं और जगह लगा है, बहुत सारे सीजन देख के आपने आधा आधा छोड़ा हुआ है, उसमें वीडियो जा रहे हैं आपको वो करना है, या फिर आपका इन्वायरमेंट ऐसा बन गया है मजे लेने का, आप उस इन्वायरमेंट से बाहर नहीं आ रहे हो, कई सारे रीजन हो सकते हैं ना। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा, मेंटल एफिशिएंसी आपको देखना पड़ेगा आपका क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पास्ट हिस्ट्री क्या है। कई सारे लोग बीटेक में बहुत अच्छी पढ़ाई किए होते हैं, कई सारे लोग आप में से टीचिंग फील्ड में होंगे, उसमें पढ़ रहे होंगे, उनको हैबिट अच्छी, उनका फंडामेंटल क्लियर है। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले जॉब करके फिर बाद में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आए होंगे और अब वो 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, उनकी प्रिपरेशन पीक लेवल पे होगी। तो अगर पास्ट में आपने तैयारी किया हुआ है, बीच में 1-2 महीना 4 महीना के लिए लुढ़क गए थे या फिर पहले से तैयारी कर रहे थे फिर छोड़ के जॉब करने लग गए, तो ऐसे लोगों को मैं मानता हूं कि आप रिगेन जल्दी कर लोगे और फिर आप बैठना चाहोगे तो आपके पास टाइम भी रहेगा, आपके पास एफिशिएंसी भी रहेगी, बैठने की हैबिट भी रहेगी, आप अच्छा कर सकते हो। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अभी आपको, अगर आप जॉब के साथ हो तो मिनिमम आपको 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए देने चाहिए, टाइम इतना आ गया है, या 1-2 घंटे मान लो और कम तो 3-5 देना चाहिए, जो भी आपके लिए आइडियल है। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर केवल तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 8 आवर से लेके 12 आवर तक पढ़ाई करनी चाहिए, ये पीक टाइम है। अभी नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर इतना नहीं बैठ पा रहे हो, अगर अभी तक आपने कैपेसिटी भी बिल्डअप नहीं किया है तो फिर आपकी गलती है, इतना तो आपको करना ही चाहिए। इतना करोगे आप तो बहुत मुश्किल नहीं है, 3 महीना मोर देन सफिशियंट है। अगर सही प्लानिंग के साथ आप तैयारी करोगे तो कर ले जाओगे, सिलेक्शन हो जाता है। बहुत ज्यादा स्कोर करने की जरूरत तो है नहीं ना यार, इंटरव्यू के लिए तो बहुत टाइम है। जहां का 1 मार्क्स, इंटरव्यू का 1 मार्क्स आपके रिटर्न के 3 मार्क्स के बराबर होता है। रिटर्न का इंपॉर्टेंस ये है कि आप इंटरव्यू में जाओ तो पहले, इंटरव्यू के लिए तो आपको बहुत टाइम है, अप्रैल में है, वो बहुत टाइम है, आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू के लिए अलग से जो टॉपिक्स होंगे वो पढ़ सकते हो, पर इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। 300 में से 160 मैं कह रहा हूं ना यार, मतलब 50% से थोड़ा सा ज्यादा, इतना तो किया ही जा सकता है यार, बहुत मुश्किल थोड़ी है। मेहनत करके आप अपने अंदर देखो कौन कौन से इंटरेस्ट टॉपिक हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेलेक्ट करो, पढ़ो, MCQ ज्यादा प्रैक्टिस कर लो अगर आपके पास टाइम नहीं है, फंडामेंटल कुछ चीजें समझो, कुछ चीजें याद करो। बहुत सारे लोग इसको बुरा समझते हैं कि अरे तोता की तरह हम रटेंगे, थोड़ो हम तो सारा समझ के करेंगे। भाई छोड़ दो यार, अभी कम टाइम है, तोता भी बनना है, साइंटिस्ट भी बनना है, रिसर्चर भी बनना है, जिसकी जब जरूरत पड़े वो लगाओ, एग्जाम निकालना है हमको। जो विद्या जल्दी काम करती है, फंडामेंटल काम करता है, फंडामेंटल समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है रट लो, नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं हो रहा है ऑप्शन याद कर लो, भाई ये क्वेश्चन का ये आंसर है, सब तरीके लगाओ, जो तरीका आपको सूट करता है वो लगाओ पर करो। एक क्वेश्चन मैं, मुझे लगता है कि मैं आंसर करना भूल गया हूं, ये आपका सिलेबस है, आपका एक्सपीरियंस वाला,
और ये भी आपके सिलेबस में पॉसिबिलिटी है, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मे बी ऐड हो जाए ना, मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये ऐड हो जाए, ऐड हो जाए तो देखेंगे, पर अभी के लिए आपका ये सिलेबस है। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस किसका वैलिड होगा, पहले ही बताना चाहिए था पर दिमाग से निकल गया। एक्सपीरियंस साफ साफ मेंशन किया गया है कि टीचिंग में हो तो डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ा रहे हो आप, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हो, या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं जिनका अफिलिएशन होता है किससे, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग, एनसीवीटी या फिर गुजरात काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये अफिलिएशन देते हैं। बहुत सारे स्कूल्स कैसे होते हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, और वहां पे अगर आप पढ़ा रहे हो, वहां पे आप पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हो। इंडस्ट्री में आप ऐसे किसी भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो जहां पे आपको टेक्निकल बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पोस्ट है वो क्लास 3 लेवल की हो या उससे ऊपर की हो। बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है ये ब्रॉडर वे मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया। इंडस्ट्री में हो आप, कोई भी ऐसी नौकरी जिसके लिए डिप्लोमा इक्विवेलेंट बीटेक करके आप जाके जॉब कर रहे हो और वही उसकी रिक्वायरमेंट है, किसी भी फील्ड में जॉब आप कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में आप, ये आपके मेंटेनेंस में, प्रोडक्शन में, डिजाइन में, कहीं भी जॉब कर रहे हो आप, सब एलिजिबल हो। बस आपको यही ध्यान रखना है कि वो टेक्निकल पोस्ट होनी चाहिए और क्लास 3 लेवल या उससे ऊपर की पोस्ट होनी चाहिए। एक बात और, डिप्लोमा करके आप जॉब कर रहे हो तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और वही जॉब अगर आप बीटेक करके कर रहे हो, डजेंट मैटर पोस्ट छोटी है बड़ी हो, क्लास 3 या उससे ऊपर वाली हो, अगर वही जॉब एक डिप्लोमा वाला कैंडिडेट कर रहा है तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वही जॉब एक बीटेक वाला कैंडिडेट कर रहा है तो उसको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ये एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल वैलिड हो। किसी कोचिंग में आप पढ़ाते हो, किसी स्कूल में आप पढ़ाते हो तो वो एक्सपीरियंस वैलिड नहीं माना जाएगा, वो एक्सपीरियंस को ये वैलिड नहीं मानेंगे, साफ साफ मेंशन किया हुआ है प्रीवियस एडवर्टीजमेंट में। और कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं जिनमें गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कहीं कहीं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में, नवोदया में या सैनिक विद्यालय में, कुछ कुछ पोस्ट आई थी पहले, उसके बेसिस में बता रहा हूँ, जहां पे बीटेक कैंडिडेट को हायर कर रहे थे क्योंकि उन बच्चों को कुछ स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट सिखाना था। तो अगर वो वाली पोस्ट है तो वहां का एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा, वहां का एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा। बाकी आप सिंपल किसी स्कूल में ऐसे बीएड वाली पोजीशन वाली जो होती हैं टीचिंग कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, और कोचिंग में, कोचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो होप्स हो कि जितने आपके क्वेश्चन थे मैंने उनके जवाब दे दिए हैं। अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि भाई प्राइस ज़्यादा है, आप कम टाइम के लिए परचेज करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे पर्सनल मैसेज करना, मुझे लगेगा कि कुछ लोग हैं या काफ़ी लोग हैं तो मैं एक सेपरेट वैलिडिटी क्रिएट कर दूंगा, पर ध्यान रखना वो एक्सटेंड नहीं होगी, वो एक्सटेंड नहीं होगी। वहाँ पर बिल्कुल आप कुछ पैसे सेव कर लोगे पर वो 5 मंथ के लिए ही रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए All the best, good luck and जय हिंद।